చాలా థ్యాంక్స్. చలో భజీంగే ఏక్ మినిట్ ఇగో. అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్. క్యా భాయ్ తుమ్ లోగాన్ పూర్ హస్ రహే హై? నహీ మనే జో దేఖా ఆప్ వో లగేజ్ ఉఠా కే దే రహే థే జో హిందూ భాయ్ థే ఆప్ వైసా. క్యా ఆప్ ఇస్ వజహ్ సే హస్ రహే జో మై ఇస్ హిందూ కో సాథ్ దియా హూ? హా భాయ్, హా హా. क्या आप वो वाकया नहीं सुना जिसमें एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत सामान लेकर बैठी हुई थी? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर आए और उस बूढ़ी औरत को देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या अम्मा किसके इंतज़ार में है? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं एक मजदूर के इंतज़ार में हूँ. तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं ये सामान उठा सकता हूँ? तब बूढ़ी ने कहा, जी हाँ. जब रास्ते में जा रहे थे उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, इस मक्के शहर में एक मोहम्मद नामी शख्स है जो अपने बातों से अपने दीन की तरफ खींच लेता है और रास्ते भर उस मोहम्मद नामी शख्स के ताल्लुक से बुरा भला कहा. जब मंजिल पर पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बूढ़ी ने कहा कि सामान उतार दो और पूछने लगी, ये मजदूरी ले लो. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजदूरी को इनकार किया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे थे तब उस बूढ़ी ने कहा कि तुम अच्छे अखलाक वाले इंसान हो, आप किस कबीले के हो, आपका नाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, माई, जिस मोहम्मद के नाम के ताल्लुक से आपने बुरा भला और जादूगर कहा, वो मोहम्मद मैं ही हूँ. और वो बूढ़ी औरत ताज्जुब हुई और कहने लगी, आप अच्छे इंसान हो, आप हरगिज़ धोखा नहीं दे सकते. तब वो बूढ़ी औरत इस्लाम कबूल कर ली. जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़ी माँ की मजदूरी की जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको हिदायत दी, क्या हम अपने बिरादर वतन का सामान नहीं उठा सकते? चाहे कि अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे दे. यही इस्लाम है, यही दीन है. इसी तरह हम गैरों के साथ अपने अखलाक पेश करना है. इंशाअल्लाह हम भी इसी तरह करेंगे.